डूड, पिछले कल मैं यूं ही YouTube में स्क्रॉल कर रहा था एंड मुझे एक शॉर्ट मिलती है जिसमें बताया जाता है कि साइतामा को वेजिटा अपनी हकाई की पावर से हकाई कर सकता है। वेल, क्या ये एक्चुअली में सही है कि साइतामा हकाई हो सकता है? और अगर मान लो साइतामा बच गया तो क्या वेजिटा साइतामा के सीरियस पंचेस को सर्वाइव कर सकता है या नहीं? वेल, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसे हमारे सुपर पब्लिक, आई होप बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। तो इस वीडियो में हम साइतामा को कंपेयर करने वाले हैं अल्ट्रा ईगो वेजिटा के साथ, देखने वाले हैं दोनों के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है। और अगर तुम लकीली चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लेना एंड वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है मोहम्मद अयान को। एंड अगर आपको भी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए मुझे वहां से फॉलो करिए और इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी स्टोरी में मुझे टैग करके स्टोरी पोस्ट कीजिए। सबसे पहले जिसकी स्टोरी होगी मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। तो चलिए अभी इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। भाई इस बैकग्राउंड की नॉइस के लिए सो सॉरी, यहां पर बारिश बंद नहीं हो रही है, लगता है बाढ़ आने वाली है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें साइतामा की पावर्स की, तो अभी साइतामा इतना ताकतवर हो चुका है कि वो हाइपरस्पेस पोर्टल्स को की कर चुका है। ब्लास्ट के अकॉर्डिंग गारो एंड साइतामा का जब सीरियस पंच आपस में टकराने वाला था तो वो इतना ताकतवर था कि वो पूरी अर्थ को चकनाचूर कर सकता था। इसके पंचेस की ताकत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो स्पेस में होल कर चुकी है। साइतामा की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो गामा रे बर्स्ट जैसे पावरफुल अटैक को सर्वाइव कर चुका है। अभी डूड, अगर तुम्हें नहीं पता है गामा रे बर्स्ट कितना ताकतवर है तो इतना समझ लो कि ये पावर दो स्टार्स के टकराने जितनी ताकत रखता है। एंड साइतामा ने सिर्फ अपने चार फिंगर से ही पूरे मून को तबाह कर दिया है। साइतामा के पास उसके सीरियस पंचेज है, उसकी सीरियस टेबल फ्लिप है जो कि वेजिटा को डिस्टर्ब करने के लिए बहुत है। इन सारी टेक्निक से साइतामा वेजिटा को बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। साइतामा की सीरियस स्नीज इतनी ताकतवर है कि उसने पूरे जुपिटर को सिर्फ एक ही स्नीज में डिस्ट्रॉय कर दिया था। साइतामा ने स्पीड ऑफ लाइट को सरपास कर दिया है। साइतामा अपनी बैटल्स में अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर करता जाता है। वो अपने ओपोनेंट के हिसाब से अपनी ताकतों को बढ़ाता है और बैटल के एंड में अपने ओपोनेंट को हरा ही देता है। और मुझे साइतामा की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड उसके पंचेस की पावर बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें पता है भाई उसकी मेन पावर ही यही है, उसके पंचेस, उसकी स्ट्रेंथ। किसी भी कैरेक्टर को सिर्फ एक ही पंच में एक्सप्लोर करने की पावर रखता है वो। तो अभी बात करते हैं इसके ओपोनेंट अल्ट्रा ईगो वेजिटा की पावर्स की। तो जब बीरस ने वेजिटा को काफी लंबे टाइम तक ट्रेनिंग दी थी तो उसके बाद वेजिटा ने इस डिस्ट्रक्टिव मोड को, इस डिस्ट्रक्शन की पावर को हासिल किया था। अल्ट्रा ईगो में जाने के बाद वेजिटा बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो जाता है, मतलब वो ओपोनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स मारता है। बट डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव नहीं रहता है, मतलब वो ओपोनेंट के सारे अटैक्स को डायरेक्ट अपने ऊपर ही लेता रहता है। वैसे ये चीज उसके लिए एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। देखो अभी डिसएडवांटेज क्यों है, क्योंकि वो ओपोनेंट के सारे अटैक्स को डायरेक्ट अपनी बॉडी पर ही लेता है जिसकी वजह से बहुत लंबे टाइम तक उसका स्टैमिना उसका साथ नहीं दे पाता है। और साथ ही साथ ये इसके लिए एडवांटेजेस इसलिए रखता है क्योंकि वेजिटा जब बहुत ज्यादा अटैक्स अपने ऊपर लेता है ना तो फिर ओपोनेंट को हराने के लिए उसकी चाह, उसकी पावर्स, उसकी ताकतें, हर चीज बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती जाती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वेजिटा की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्पीड, उसकी एजिलिटी, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत भयंकर हो जाते हैं। वेजिटा के पास हकाई की पावर आती है जो उसकी काइंड ऑफ मेन पावर है। इन फ्यूचर में भी वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने तो यही ताकत उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल चीज होने वाली है। देखो हकाई की पावर ऐसी है जो कि किसी भी चीज को रियलिटी से इरेज कर देती है, मतलब वो उसको मारती नहीं है, वो उसका अस्तित्व ही मिटा देती है रियलिटी से। एंड अल्ट्रा ईगो में जाने के बाद वेजिटा ने काफी अच्छी ग्रैनोला के साथ काफी लंबे टाइम तक फाइट करी थी एंड उसके आसपास एक ताकतवर ओरा भी क्रिएट हो जाता है। तो यस, ओवरऑल अल्ट्रा ईगो वेजिटा की यही सारी ताकतें हैं। और अभी टाइम आ गया इन दोनों को कंपेयर करने का, देखने का इन दोनों के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है। सो यस, सबसे पहली चीज, क्या साइतामा हकाई हो पाएगा या नहीं? तो यार अभी की पावर्स को देखें हम साइतामा की तो मे बी नहीं, क्योंकि यार वो कैरेक्टर पूरे चांद को तबाह कर रहा है सिर्फ चार उंगलियों से और वो भी उसका फुल पोटेंशियल नहीं है। जबकि साइतामा को हकाई करने के लिए वेजिटा को बहुत बहुत ज्यादा ताकत लगेगी और अभी वेजिटा की हकाई इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो इतने हाई लेवल, इतने हाई पावरफुल कैरेक्टर को हकाई कर सके। वेल, बीरस की हकाई की पावर अलग है, बीरस की हकाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वेजिटा की इतनी स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि अगर हम टोपो को देखें तो टोपो ताकतवर था और टोपो के कंपेयर में वेजिटा उससे भी ताकतवर है, राइट? बट टोपो की हकाई इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो कैरेक्टर्स को यूं इरेज कर दे। तो यस, अभी वेजिटा की हकाई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो साइतामा को इरेज कर दे। वेल, अगर बात करें हम साइतामा के सीरियस पंचेस की, वेजिटा बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है, वो कर सकता है इसके सीरियस पंचेस को सर्वाइव। बट जब साइतामा रुक जाएगा ना
तब वेजिटा अपनी असली ताकत को दिखाएगा। जो भी उसने पंचेस खाए होंगे ना, उनकी जो ताकत इकट्ठा हुई होगी ना, उसके दिमाग में जो वो भसड़ मच रखी होगी साइतामा को हराने की, उसके अंदर जो गुस्सा भरा होगा ना उस टाइम, भाई उस वक्त साइतामा की बैंड बज जाएगी। एंड नो डाउट साइतामा के कंपेयर में अभी वेजिटा ताकतवर है। वैसे तुम्हें पता है कि साइतामा का क्या सीन है यार, साइतामा बैटल के बीच में अपने आप को शक्तिशाली करता रहता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर सकते हैं। ये पूरी वीडियो मेरे पर्सनल ओपिनियन पे बनी थी, तो आप लोग इससे ओफेंड ना हो बल्कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट पाने के लिए आप लोगों को मैंने बता दिया ना, स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, अपने इंस्टाग्राम में जाकर के मुझे टैग करके एक स्टोरी पोस्ट करनी है जिसकी पहली स्टोरी हुई नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए शाउट आउट है। एंड कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोगों को किस चीज में बॉसिस या फिर किस चीज में नेक्स्ट वीडियो चाहिए। सो अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।